बहुजन समाज की हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करिए अंबेडकर एट इंडिया और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। जय भीम दोस्तों, मेरा नाम संजू आर जी हो और आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर एट इंडिया। दोस्तों, आप सबको पता है कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है और इसका टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुत काम किया जा रहा है। कोरोना वायरस के बचाव के लिए डॉक्टरों की टीम लगी हुई है, लेकिन साथ में भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से खबर आ रही है कि जल्द ही हम सब के फ़ोन्स के अंदर एक एप्लीकेशन जो आएगी जिसका नाम होगा कोरोना कवच। और ये कोरोना कवच हमें बताएगी कि हमारे आसपास कौन कौन से लोग हैं या कौन किस क्षेत्र में कौन लोग हैं जो इस बीमारी से ग्रस्त है, ताकि हम जो है सचेत रह सके और उनसे बच सके, और किस प्रकार हमारी जो सेहत है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का, वो सब चीज़ें उनको वो क्वेश्चन पूछेगी एप्लीकेशन जब हम उसको इंस्टॉल करेंगे अपने फ़ोन में, और वो हमें अपडेट कराएगी कि आपको इस समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम कोरोना कवच है, तो उसमें चार ऑप्शन वो आपसे पूछेंगे। पहला ऑप्शन होगा ऑल गुड, यानी कि आप बिल्कुल फिट है, सी ए डॉक्टर। दूसरा ऑप्शन होगा जिसमें ये होगा कि क्या आपने डॉक्टर को दिखाया है या क्या आप किसी डॉक्टर की देखरेख में अपनी दवाई ले रहे हैं। तीसरा जो होगा कि वो क्या आप एडमिटेड है, क्या आप हॉस्पिटलाइज हुए हैं, चाहे वो कोरोना के कारण भी ना हुए हो। और चौथा जो ऑप्शन है वो रहेगा इन्फेक्टेड, अगर आपको कोरोना वायरस हुआ है तो आपको ये इन्फॉर्मेशन उसमें देनी पड़ेगी। और उसमें ये काम कैसे करेगी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये एप्लीकेशन जब है, सांस लेने में अगर आपको दिक्कत आ रही है, कई क्वेश्चंस जो है पूछेगी, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आपको यस नो करना पड़ेगा। बॉडी टेम्परेचर आपका क्या है, आप विदेश से आए हैं कि नहीं आए हैं, या आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, या आप उन लोगों से मिले हैं जो हाल ही में विदेश से आए हैं। इन सब बातों के मद्देनज़र रखते हुए वो एप्लीकेशन आपके बारे में, आपकी जो लोकेशन है वो बताए, वो आपको लोकेशन एक्सेस करके वो आपके आसपास के जो मरीज है वो बताएगी कि आपके आसपास के जो मरीज हैं उनके संपर्क में आप आए तो नहीं हैं। और इन सब बातों से आप अलर्ट हो जाओगे कि आप जब भी जहाँ पर भी जाओगे तो लोकेशन के जरिए आपको बता दिया जाएगा कि आपसे इतनी दूरी पर एक पेशेंट है, आपको उससे बचकर रहना होगा। और ये काफ़ी अच्छी साबित होगी अगर इसका सही यूटिलाइज किया गया तो ये एप्लीकेशन जो है वो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है वहाँ उनके तरफ से जो है ये एप्लीकेशन है जिसका नाम है कोरोना कवच। और एक दूसरी एप्लीकेशन भी जो है बिल्डअप हो है वो नीति आयोग की तरफ से होगी, वो भी आने वाली है। और इन जो टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक जो टेक्नोलॉजी है हमारे देश में, उसको अच्छे से यूटिलाइज करने का समय है ये। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा अगर ये जल्दी से अगर मार्केट में आती है तो इनको इंस्टॉल करें, अपने आसपास सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और अपने घरों में बने रहे। फिर भी अगर आपको जरूरी काम से बाहर जाना है तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, वीडियो में बात कर लेते हैं आज के जो कोरोना अपडेट है, कितनी इंक्रीमेंट हो गई है जो पेशेंट है कोरोना के उनकी। अगर हम बात करें तो 6,14,454 जो केसेस है अभी फ़िलहाल तक पूरी दुनिया में आ चुके हैं। लगभग 200 देशों में ये केस है, 6,14,000 के आसपास टोटल केस है, और जिनमें से डेथ हो चुकी है 28,244 लोगों की डेथ हो चुकी है कोरोना वायरस के कारण। 1,37,000 के आसपास लोग इसकी चपेट से बाहर आ गए हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो आंकड़े हैं वो 933 लोग जो है इससे संक्रमित पाए गए हैं अभी तक, जिनमें 46 लोग जो है वो आज संक्रमित हुए हैं, और जिनकी 20 लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है इस वायरस के कारण, और 84 लोग ऐसे हैं जो ठीक हो गए हैं। लेकिन एक बात और करनी होगी कि इटली की जो स्थिति है वो बहुत भयानक हो गई है, 9,134 लोगों की मृत्यु वहां पर हो गई है, जबकि 86,000 लोग वहां पर संक्रमित है इस वायरस से। साथ ही जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा संक्रमित लोग है वो है USA के अंदर, जो आंकड़ा है 1,04,256, और उनमें से 1,704 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो मिलते हैं नई वीडियो और अपडेट के साथ। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। जय भीम।